हाय एवरीवन, हमने ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर वन कंप्लीट किया है। आज बारी है चैप्टर टू की। चैप्टर टू का नाम है ग्लोब। ग्लोब में हम लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश और लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोब पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, हीट जोन्स ऑफ अर्थ, लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये हमारे लैटिट्यूड्स अर्थ पे जो हैं और लॉन्गिट्यूड, इन्हीं ग्रीन लाइंस के बारे में बेसिकली ये पूरा चैप्टर है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इसमें से आते हैं, कहने को सिर्फ है सिक्स का ये। बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, आराम से इसको समझेंगे, बहुत इमेंसली हेल्पफुल है आपके लिए अगर आपको ज्योग्राफी को समझना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं ग्लोब क्या है। ग्लोब, हम ग्लोब के बारे में क्यों जानना चाहते हैं। सबसे पहले चीज़ ये समझिए कि अर्थ जो है वो पूरा एक एग्जैक्ट स्फेयर नहीं है, बिल्कुल गोला नहीं है, राइट। ये पोल्स पर थोड़ी सी फ्लैट है और मिडिल में बल्ज है, राइट। ग्लोब जो है वो ट्रू मॉडल है अर्थ का इन मिनिएचर फॉर्म। भाई इतना समझिए, अब जैसे हम जिस शहर में रहते हैं, देश में रहते हैं, उसको तो क्लियरली देख नहीं पाते हैं यहाँ बैठे हुए, तो हम पूरी अर्थ को कैसे जान पाएंगे, देख पाएंगे। तो अर्थ का एक मिनिएचर फॉर्म बना दिया गया जिसको हम ग्लोब कहते हैं, राइट। अब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, ये सारे यहाँ पर करेक्ट साइज में दिखाते हैं, बड़े से छोटे में ही है बट करेक्ट साइज, राइट। रेशियो जो है वो सही है। ग्लोब मूव्स अराउंड द नीडल। कभी भी आप ग्लोब अगर आपने देखा हो स्कूल में, किसी प्रिंसिपल ऑफिस में, कहीं भी, तो उसको देख के मन जरूर करता है कि लाओ उसके ऊपर घुमा दें। तो घूमता कैसे है वो, उसके बीच में एक नीडल लगी होती है, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक नीडल यहाँ पर लगी हुई है, इसी के अराउंड वो घूम रहा है। वैसे तो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, बट इस ग्लोब को आप किसी भी तरफ घुमा सकते हैं क्योंकि नीडल के ही अराउंड ही घूम रहा है। समझने वाली बात यह है कि जो नीडल है वो एक तरीके के एक्सिस का काम करती है। यहाँ सिर्फ आप वर्ड्स को पहले समझिए, फेमिलियर होइए एक्सिस क्या है, ग्लोब क्या है। तो इसी के बेसिस पे आप जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगे एनसीईआरटी की, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होती जाएगी। अब देखिए, कुछ इमेजनरी लाइन्स होती हैं। अर्थ को अच्छे से समझने के लिए किस तरह से है वो, हमने कुछ इमेजनरी लाइन्स बनाई हैं। इसमें एक्सिस, इक्वेटर, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये सही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सिस बेसिकली धुरी है, अर्थ घूमी हुई है, जनरली हमारा सीधा ऐसा एक्सिस होना चाहिए अर्थ का, बट 23.5 डिग्री वो झुकी हुई है, इसलिए एक्सिस थोड़ा टेढ़ा है। फिर इक्वेटर, ये हमारी अर्थ है, इसे बीच में बिल्कुल जो बीच से आती है, जो इसको दो भाग में, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर में जो बांट दे, बिल्कुल इक्वल दो बांट बांट, ये 0 डिग्री, इसको इक्वेटर बोलते हैं। 0 डिग्री क्यों बोलते हैं अभी आप देख रहे हैं। ऐसे ही अर्थ पर एक लाइन तो हमें पता लग गई 0 डिग्री, ऐसे ही और बहुत सारी लाइंस ऐसे सीधे गई हुई हैं जो कहलाती हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। इसी प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ भी ऐसे कई लाइंस गई हैं जिनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर। अब ये क्या है, इनके बारे में सीखते हैं। नंबर वन इज लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश। अब समझिए बहुत अच्छे से, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ये हमारी ऐसी अर्थ है। तो अर्थ के अराउंड समझिए कि आपने ऐसे धागा बांध दिया किसी बॉल के अराउंड, ऐसे चारों तरफ, ठीक है, और ऐसे आप धागा बांधते हुए बस चले जा रहा है ऊपर तक। ऑब्वियसली ऊपर की तरफ ऐसे पतला है थोड़ा सा एरिया, तो धागा छोटा होता जाएगा, बट आप बांधते ऐसे चले जा रहे हैं। इन एक एक धागों को सबको हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये पैरेलल सर्कल्स है, एक दूसरे समांतर दूरी पे है, ठीक है, सर्कल्स है, कंप्लीट सर्कल है। ये पोल तक जाते हैं, इनको हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी, सदर्न हेमिस्फीयर, आई होप आपको नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर पता है। ऊपर ये इक्वेटर के ऊपर होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे होता है साउथ हेमिस्फीयर। इसके बाद लैटिट्यूड मेजर कैसे होते हैं, इनको डिग्रीज में, इस तरह का साइन होता है डिग्री, जैसे कि 10 डिग्री, 20 मिनट, 30 सेकेंड्स, ऐसे ही इनको हम नापते हैं। इक्वेटर से पोल जब जाते हैं, ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि है कहने को सिर्फ 6 के एनसीईआरटी है, बट ये ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो अगर आपने समझ लिए तो ज्योग्राफी आपके लिए बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा। क्या हो जाएगी, बच्चों का खेल, भाई खेलते हैं। इक्वेटर से पोल तक आप जाएंगे तो 0 से 90 डिग्री जाएंगे, 0 से 90 डिग्री पोल पे हम जा रहे हैं नीचे से ऊपर। तो ये जो डिस्टेंस है ये 1/4 होती है ऑफ 360 डिग्री, पूरा अर्थ गोल है तो 360 डिग्री मान लिया, उसका 1/4 पार्ट है। अब देखिए 90 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ पोल कहलाता है और 90 डिग्री लैटिट्यूड जो साउथ की तरफ, उसको बोलते हैं साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या डिग्री होता है, 90 डिग्री, इसीलिए हम
जब 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो इधर के सारे पैरेलल्स को क्या बोलते हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड, और जब साउथ में आते हैं तो साउथ लैटिट्यूड। इसीलिए जैसे 10 डिग्री लिखना है तो हम नॉर्थ या 10 डिग्री साउथ लिखेंगे, राइट। अब देखते हैं नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने हैं और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो कुल मिला के हमारे पास 179 लैटिट्यूड्स हैं और दो लैटिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो 111 किलोमीटर होती है। ये चीजें थोड़ी सी कम समझ में आ रही हूँ क्योंकि आपको भी एंगल नहीं समझ में आया था। ये पहले अच्छे से एंगल समझते हैं। अर्थ हमने ली और अर्थ को ऐसे बीच से काट दिया, राइट। अर्थ को हमने बीच से ऐसे आधा कर दिया, बढ़िया से इसको समझेंगे, आधा कर दिया। फिर हमने सेंटर का हिस्सा ले लिया, सेंटर पे एक पॉइंट ले लिया और उसी के सहारे हम अर्थ पर ऐसे एंगल बनाना शुरू कर दिए। ऊपर की तरफ सीधे 90 डिग्री गए, ये हो गया पोल वाला पॉइंट। यहाँ गए बिल्कुल 0 डिग्री आ गया, ये हो गया इक्वेटर का पॉइंट। ऐसे ही बीच में इधर गए 23 है ना हाफ का पार्ट, या 30 डिग्री, या फिर इधर 50 डिग्री, ऐसे बढ़ता चला गया। इसी तरह जब नीचे गए तो यहाँ पे 90 डिग्री बनी, तो 90 डिग्री साउथ पोल हो गया। फिर ऐसे ही 20 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री तक गया। अब हम इधर जब जाएंगे तो 90 के बाद यहाँ पर 110 होना चाहिए, बट चूंकि ये पूरा सर्कल ऐसे गया है तो यही एंगल फिर से इधर हमें मिल जाएगा। जैसे 0 डिग्री है, जब इधर जाएंगे 0 डिग्री मिलेगा। अब चूंकि 0 से हमने एक ऑलरेडी सर्कल बना रखा है, 0 से ये पूरा एक ऐसा एक सर्कल जा रहा है तो इधर भी एंगल वही मिलेगा। इसी तरीके से हर 20 डिग्री से इधर भी एंगल 20 डिग्री मिलेगा, इस पे 30 डिग्री मिलेगा, 90 तो एक पॉइंट होगा। इसी तरीके से आप यहाँ देखेंगे इसको हमने सेंटर मान के अलग अलग हर तरफ क्या गया है, हमने एंगल्स लिए हैं। इसी को बेसिकली बोलते हैं क्या, लेटिट्यूड। इसी के सहारे जब एक पूरा गोला बना देते हैं तो आई होप कि समझ में आया होगा। बहुत मुश्किल है क्योंकि एंगल्स के बारे में बिल्कुल 6 में ही आपको समझ पाना। अगर आपको कुछ नहीं पता है ज्योग्राफी, अगर पता है तो फिर इजी है आपके लिए, बट अगर नहीं पता है तो थोड़ा टिपिकल हो सकता है। बट ये स्टार्टिंग है, अभी हर हर क्लास में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड आता जाएगा और आप समझते जाएंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक समझिए। कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में जान लेते हैं, जरूरी जरूरी समझ लेते हैं, बाकी धीरे धीरे आता रहेगा। सबसे पहले इक्वेटर, हम अभी पढ़ चुके हैं कि इक्वेटर 0 डिग्री की लाइन है जो अर्थ को दो भागों में ऐसे बांट देती है। देखिए इक्वेटर यहाँ पर हमें दिख रहा है। फिर आते हैं नॉर्थ पोल पे, बिल्कुल ऊपर का हिस्सा 90 डिग्री, और नीचे साउथ पोल पे आते हैं 90 डिग्री साउथ। फिर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब हम नीचे इक्वेटर से ऊपर जाने लगते हैं, जैसे हमने जब एंगल देखा था, जब यही एंगल बनाने लगते हैं और ऐसे एंगल बनता है और वो 23 है ना हाफ डिग्री का एंगल बनता है, और ये जो पूरा गोला बनता है, राइट, उस गोले की बात हो रही है, ये जो पूरा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बन रहा है, गोला बन रहा है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 है ना हाफ डिग्री नॉर्थ। अब यही नॉर्थ से साउथ में आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बस अभी इतना याद रखिए, 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 एंड हाफ डिग्री साउथ को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इसी तरीके से नॉर्थ में 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ को आर्टिक सर्कल, और साउथ में वही आ जाएंगे तो अंटार्कटिक सर्कल। इसको थोड़े से बड़े मैप पे समझते हैं। ये देखिए अभी जो 0 डिग्री है यहाँ पर, इसका नाम क्या रखा जाता है, इक्वेटर। इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। ये समझ लीजिए क्योंकि बिल्कुल बेसिक है, ये थोड़ा टाइम से आपको देना पड़ेगा। फिर 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ, ये देखिए ऊपर इधर नॉर्थ है ना, ये टेंजेंट इधर नॉर्थ है ना, ये देखिए ये पार्ट नॉर्थ है, तो अब इसको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर वाले। अब नीचे साउथ में जब जाएंगे तो इसी को हम बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक। अब फिर और ऊपर बढ़ते हैं, यहाँ आता है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आर्कटिक सर्कल इसलिए है। इसका क्या डिग्री है, 66 है ना हाफ डिग्री नॉर्थ है। इसके ऊपर और बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका नॉर्थ पोल आ जाएगा। साउथ में आइए, साउथ में जो 66 है ना हाफ डिग्री साउथ है उसको हम बोलते हैं अंटार्कटिका, अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिका इधर है तो अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है ना, अंटार्कटिक सर्कल। फिर नीचे आएंगे 90 डिग्री पे, इसको बोलेंगे साउथ पोल। अब बिल्कुल बेसिक्स आप देखिए अगर इस चीज को समझने के लिए, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इक्वेटर। फिर हमने क्या पढ़ा, टॉपिक ऑफ कैंसर 23 है ना हाफ डिग्री नॉर्थ। फिर पढ़ा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हमने ये पढ़ा, मैं इसे हटा क्यों रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली बिल्कुल फिर से समझ आ सकूँ अच्छे से, ठीक है। देखिए तो अगर हमसे पूछा जाए, अगर यहाँ पे ये समझ लिया सबसे पहले बहुत जरूरी, पूछा जाए इक्वेटर कहाँ है, तो ये बिल्कुल 0 डिग्री बीच में है, ये हो गया इक्वेटर, ठीक। अब पूछा जाए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पर है, तो ये ऊपर आएगा, नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो साउथ में है, नहीं,
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें ऊपर देखने मिलता है नॉर्थ में, 23.5 दोनों सेम है। फिर ऊपर क्या होता है आर्कटिक सर्कल, नीचे क्या होता है अंटार्कटिक सर्कल। इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। उसके ऊपर नॉर्थ पोल, फिर नीचे साउथ पोल, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। क्योंकि एक बात जानिए, लैटिट्यूड का जो संबंध होता है ना, वो बेसिकली टेम्परेचर से होता है, ठीक है, यही सब मेन है। अब टेम्परेचर जो होगा वो क्लाइमेट डिसाइड करेगा आपकी, ठीक है। जब टेम्परेचर कैसा है किसी एरिया का, वो टेम्परेचर डिसाइड करता है कि वहाँ का वेजिटेशन कैसा है। वेजिटेशन डिसाइड करेगा वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, राइट। उसी तरह से बहुत सारी एक्टिविटीज जो है ज्योग्राफी की, सब उससे कनेक्ट होती चली जाती है, ठीक। वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का रेन कैसा है ना, वेजिटेशन कैसा है, ये सब पता लगता है किससे, सब टेम्परेचर का गेम है सारा का सारा। तो अगर टेम्परेचर समझना है, सबसे पहले आपको लैटिट्यूड समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हीट जोन्स ऑफ अर्थ, वही टेम्परेचर वाली जो बात मैंने कही है वही यहाँ पर है। अब ये देखिए लिखा वाई इन चैप्टर 3, ये क्यों हो रहा है, ये सारे सेक्शन क्यों बन रहे हैं, ये चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। पहले इन सारे वर्ड से आप थोड़ी सी फेमिलियरिटी बना लिए। सबसे पहले बात आती है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन का बेसिक मतलब है ट्रॉपिक्स, देखते हुए चलिए। ये देख रहे हैं, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हमने जो भी पढ़ा, और 23.5 डिग्री साउथ जो हमने पढ़ा, इसके जो बीच का हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक्स। इसी को और क्या वर्ड बोलते हैं, टॉरिड जोन। टॉरिड जोन क्या है, अब ये जो हिस्सा है क्यों बताया जा रहा है कि ये हिस्सा, देखिए कुछ इसकी विशेषता होगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो बहुत गर्म होता है। अब क्यों होता है ये आगे हम समझेंगे। देखिए मिडडे सन जो है एग्जैक्टली ओवरहेड होता है इसके, मतलब कि जब सन की रेस पड़ती है इसे बिल्कुल सीधी पड़ती है 90 डिग्री पे, तो इसलिए यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया है ये, और ये मैक्सिमम हीट रिसीव करता है। कितनी हीट, मैक्स हीट रिसीव कौन करता है, ट्रॉपिक। बिल्कुल, अगर पूछा है ट्रॉपिक से टॉरिड जोन क्या है, मैक्सिमम हीट मिलती है यहाँ, बात करें कहाँ से कहाँ तक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ तक। अब आगे देखते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन का क्या मतलब है, मिड डे सन जो है यहाँ ओवर है, बिल्कुल सिर के ऊपर कभी शाइन नहीं करता है, ठीक है। ये इतना बिल्कुल फंडा रख लीजिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ही एटलीस्ट एक बार जो है सन 90 डिग्री बनाएगा, बिल्कुल हेड पर होगा, बाकी टेम्परेट जोन फ्री जोन पे बिल्कुल नहीं आएगा, रेज यहाँ स्लैंट ही पड़ेंगे, तिरछी पड़ेगी। अब यहाँ देखिए, एंगल ऑफ सन रे डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल, जो सन की रेज की एंगल है वो ऐसे पोल की तरफ जाने पर ऐसे डिक्रीज होती है। और पूछे एंगल जो बना रहा है सन की रेस का, ये एंगल पोल की तरफ जाने पर घटता है या बढ़ता है, तो ये घटता हुआ चला जाता है सीधे, रेस बहुत स्लैंट होती जाती है। इसलिए आप देखिए, अगर बर्नर कोई जल रहा है ना, ऐसे गैस होती बर्नर जल, उसके बिल्कुल ऊपर हाथ रखिए, ज़्यादा जलेगा, साइड में रखेंगे तो कम हीट मिलेगी। तो वही बात है, बिल्कुल सीधे जो सामने है वो टॉरिड जोन है ट्रॉपिक, जो साइड साइड में आ रहा है ये टेम्परेचर, जो बिल्कुल इधर है उस पर तो पहुँच ही नहीं पा रहा है, तो वो है क्या, फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड फ्रिज से ही बना हुआ है, मतलब याद करने के लिए याद कर सकता हूँ, ऑब्वियसली मतलब ठंडा जोन है बिल्कुल, ठीक है। अब देखते हैं फ्रिज जोन के बारे में, ये देखिए फ्रिजिड जोन, इसको पोलर जोन भी कहते हैं। सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजन, के ऊपर ये आता ही नहीं है। सन रेज ऑलवेज स्लैंटिंग एंड लेस हीट, यहाँ पर बिल्कुल स्लैंटिंग रेज होती है, इसलिए हीट बिल्कुल लेस होती है, ये जमा हुआ रीजन उसकी टाइम कोल्ड होता है, ठीक है। तो हॉट हो गया टॉरिड, टेम्परेट जोन हल्का वार्म थोड़ा कोल्ड, उसके बाद बिल्कुल ठंडा क्या हो जाएगा, पोलर जोन। आई होप आपको ये समझ में आ गया, नहीं आ गया तो एक बार उसको फिर से देख लो। अब देखिए लॉन्गिट्यूड पे बात आती है, जैसे हमने लैटिट्यूड समझा था वैसे लॉन्गिट्यूड समझते हैं, अर्थ को थोड़ा इस तरह काट देते हैं, ठीक। फिर यहाँ पे हमने सेंटर पे एक पॉइंट लिया और हर तरफ ऐसे एंगल खींचने शुरू कर दिए। अब यहाँ पे पूरा देखिए एक सर्किल है बीच से काटा है, सर्किल को कितने पार्ट में बांट सकते हैं, 360 डिग्री, ठीक है। तो हमने इसको 360 डिग्री में ऐसे डिवाइड कर दिया, और जो हमने डिवाइड किया उसी के सहारे पूरा ऐसे गोला बना दिया। अब यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो एक सेमी सर्किल होते हैं, राइट, वो कंप्लीट एक सर्किल नहीं है। एक सर्किल में आपको दो लॉन्गिट्यूड निकल के आ जाएंगे, ठीक है। कैसे, आप धीरे धीरे आप समझते जाएंगे। ये एंगल आपको समझ में आ गया ना कि एंगल कैसे बनाया जा रहा है, सेंटर से बस ऐसे ही। अब ये इमेजिनरी है सब कुछ, रियल में कुछ ऐसा नहीं है। सेंटर से ऐसे हमने एंगल डालना शुरू कर दिया और जो एंगल मिला उसी के सहारे जो पूरा गोला बनाया उसका नाम वो एंगल रख दिया। अब कैसे सेमी सर्कल है आगे भी समझते हैं। लैटिट्यूड्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लीजिए, तो फिक्स अ लोकेशन वी नीड बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर मैं आपसे कह दूं कि एक कुत्ता 20 डिग्री नॉर्थ पर झगड़ा कर रहा है दूसरे कुत्ते से, तो आप बताओगे कहाँ पर है 20 डिग्री नॉर्थ। आप ऐसे मान लीजिए गए, आपको पता लग गया ये 20 डिग्री नॉर्थ यहाँ पर, ये कोई पोर्शन है,
अब ये 20 डिग्री नॉर्थ तो पूरी की पूरी लाइन है ना, पूरे गोल में लाइन है, कहाँ पर आपको क्या पता। बट अगर हमने ये कह दिया कि 90 डिग्री ईस्ट में है, आपने ये लॉन्गिट्यूड पकड़ लिया और यहाँ पर आके क्रॉस कर दिया कि अच्छा ये देखो ऐसे 90 डिग्री ईस्ट ऊपर से आ रहा है, 20 डिग्री नॉर्थ से जा रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है सिर्फ यही एक लोकेशन है जहाँ पर वो कुत्ते झगड़ा कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात। इसीलिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे टोंगा आइलैंड और मॉरिशियस, ये दोनों सेम लैटिट्यूड पर, जैसे देखिए ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के इधर ईस्ट में आपको एक आइलैंड दिखेगा टोंगा, ठीक, और अफ्रीका है, अफ्रीका के बिल्कुल नीचे आ जाइए, साउथ अफ्रीका के पास करीब इधर मोजाम्बिक के पास, इधर से यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ मॉरिशियस पड़ता है आइलैंड, आपने बहुत नाम सुना मॉरिशियस। ये दोनों बिल्कुल सेम लैटिट्यूड पर है, दोनों का लैटिट्यूड क्या है, बिल्कुल सिमिलर। आप देखिए अगर यहाँ से समझाना चाहूँ तो देखिए अफ्रीका के पास यहाँ पर कहीं है मॉरिशियस और यहाँ कहीं है टोंगा, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सेम लैटिट्यूड पर है। बट हमें लॉन्गिट्यूड जब पता लगेगा तभी बता पाएंगे कि ये लॉन्गिट्यूड टोंगा तक जाता है और ये जो लॉन्गिट्यूड है ये कहाँ जाता है, ये मॉरिशियस तक पहुंचा जाता है। तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों को ही समझ पाना। नीड लॉन्गिट्यूड फॉर एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्टली दीज रेफरेंसेस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, को मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ये भी डिग्री मिनट और सेकंड्स में नापे जाते हैं। देखिए सेमी सर्कल्स हैं एंड डिस्टेंस डिक्रीजेस पोल वार्ड्स 0 एट पोल। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे समझ लीजिए बिल्कुल, ताकि कभी भूले जाए, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए अच्छे, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि ये एक सेमी सर्कल है, जैसे ये देख रहे हैं आप, यहाँ से हमने लाइन खींचनी शुरू की है। अब ये आ रहा है प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन क्या होता है, ये 0 डिग्री, प्राइम मतलब जहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ये पूरा जो पीछे का सर्कल जा रहा है वो 180 डिग्री, ठीक है, फिर इधर ऐसे आने लगे आप 10 या 20 डिग्री, ये हमारा क्या है लॉन्गिट्यूड है। ईस्ट और वेस्ट दो पार्ट में बांटा गया। अब भाई कहीं पूरा गोला है, आपको गोले को पूरा कवर करना है तो कहीं एक पॉइंट लेना पड़ेगा, तो ये जो पॉइंट लिया गया बेसिकली ये कहाँ से लिया गया, ये ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इन ग्रीनविच जो कि इंग्लैंड में है, लंदन में, वहां से इसको लिया गया और प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लैटिट्यूड कहा गया। ये जो लाइन बिल्कुल जा रही है बिल्कुल ये। अब इसके ईस्ट में जो आएंगे वो और वेस्ट में जो आएंगे, इधर 180 हो गया, दूसरी साइड 180 हो गया, दोनों मिला के क्या हो गया 360 डिग्री हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ अनलाइक लैटिट्यूड, ये सारे जो मेरिडियन है, जो गोले बनाए हैं हमने अर्थ के अराउंड, ये क्या है सब इक्वल लेंथ के बराबर है, इनमें कोई ऊपर नीचे नहीं। अब जब हम पैरेलल ऑफ लॉन्ग लैटिट्यूड बना रहे थे इस तरीके से अर्थ के अराउंड, तो इनकी ऊपर जाते हुए अर्थ थोड़ा सा पतला होता जा रहा था, तो इनकी जो सबकी अगर पूछा जाए लेंथ सब डिफरेंट थी, बट चूंकि ऊपर से नीचे ऐसे हम बना रहे हैं इसमें, तो सारे के सारे बिल्कुल सेम है लॉन्गिट्यूड, ठीक है, सारे लॉन्गिट्यूड हमें सेम लेंथ के मिलेंगे। ये कॉन्सेप्ट आप ऐसे समझते जाइए, आगे जाके जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे बिल्कुल आपको क्लियर होता है, क्योंकि ये बहुत बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, एक बार में बिल्कुल समझ में आते नहीं है, सब कहने वाली बात है कि एक बार में समझ लेंगे, जैसे इसको आप पढ़ा आपने अभी फिर इसके जो एप्लीकेशन देखेंगे तो दिमाग में बैठता चला जाएगा। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड डिवाइड द अर्थ इन टू इक्वल हाफ्स, ईस्ट हेमिस्फेयर एंड वेस्ट हेमिस्फेयर। देखिए इसको एक इमेज से समझेंगे तो शायद हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आए, जैसे ये वाली इमेज देखिए, ठीक, अब ये पूरा अर्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा हमने इसको खोल दिया है, गोले में थी इसको ओपन कर दिया। अब यहाँ आप जो देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यहाँ से ग्रीनविच लाइन जो है GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। अब ये जो बिल्कुल सीधा है ये 0 डिग्री है, इसके जब ईस्ट में आएंगे तो आपका 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, ऐसे करते करते कहाँ जाएगा 180 डिग्री ईस्ट तक चला जाएगा, फिर इधर जब आएंगे तो वो भी 10 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट, ऐसे करते करते 180 डिग्री वेस्ट तक जाएगा। अब जो फनी चीज़ वो है कि 180 डिग्री वेस्ट ये और इसको जो आप मिलाएंगे तो ये बिल्कुल सेम लाइन है, तो 180 डिग्री ईस्ट 180 डिग्री वेस्ट दोनों ही सेम लाइन होती हैं, राइट, क्यों? अगर आप देखिए इस तरीके से इसको समझने की कोशिश करिए, ये देखिए ये, अब यहाँ से आपने लाइन पूरी खींची है 0 डिग्री वाली, ठीक है, आप जब यहाँ से ईस्ट जाना शुरू हुए तो आपको क्या मिला 180 डिग्री यहाँ तक गए, और जब इधर से आना शुरू किए तो 180 डिग्री जो कि ये मिल चुका है ईस्ट में, तो यहाँ आपका हुआ 179 डिग्री। तो जब 179 डिग्री ये हुआ और जहाँ से आप शुरू किए हैं वो 0 डिग्री है, तो 179 जो लाइन है ये और प्लस 0 वाली लाइन, 0 नहीं जोड़ना है, 0 वाली लाइन मतलब एक लाइन और, ठीक
तो इसको जोड़ के क्या हो जाएगा, 180 इधर से हो गया और दूसरे साइड से 180 इस साथ में ले आई है, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा 360 आ जाएगा। तो इसीलिए याद रखिए 180 डिग्री ईस्ट 180 डिग्री नॉर्थ वेस्ट दोनों बिल्कुल सेम है, उनमें डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है कोई इस तरीके का, ठीक है। ये देखिए दोनों सेम लाइन में, यहाँ एक ऑप्शन दिया गया डुबरी लोकेशन उसकी दी गई है 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड। देखते हैं डुबरी कहाँ पर है, असम में एक जगह है डुबरी। अब ये बताया क्यों जा रहा है, इसलिए ताकि आप समझ पाइए कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मिलाकर हम लोकेशन एग्जैक्टली फाइंड कैसे करते हैं, ठीक। तो अब ये अर्थ है, यहाँ पर हमने क्या बताया हमें डुबरी का भैया लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड हमें मिल रहा है 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट, तो हमने इसको मैप पे रखा। तो इधर से जब जाना हम शुरू किए तो ये 26 डिग्री नॉर्थ में यहाँ एक लोकेशन मिल गई, और फिर इधर से हम 90 डिग्री ईस्ट आना शुरू हुए तो हमें लोकेशन यहाँ पर कट गई है, जो कि आसाम में देखिए कुछ यहाँ पर ऐसे कट करते हुए आ रहा है। ये जो पोर्शन है, ये जो हिस्सा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये डुबरी कहलाता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हमने जाना 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड, राइट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है, आप देखिए ये एप्लीकेशन है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जैसे इसको आप और सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे बिल्कुल आपके लिए ईजी होता चला जाएगा। लॉन्गिट्यूड का मतलब किससे रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है, लॉन्गिट्यूड का मतलब है टाइम, लैटिट्यूड क्या मतलब था टेम्परेचर, वो टेम्परेचर डिसाइड करेगा, यहाँ पर टाइम डिसाइड करेगा। टाइम देखिए किसी भी जगह के टाइम को मेजर करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है कि वहाँ के अर्थ मून या फिर प्लैनेट की जो मूवमेंट है उसके हिसाब से बताया जाए। कैसे, अब सन रोज 12 बजे तो बिल्कुल हेड पे आता है ना, बिल्कुल हेड पे जब होगा तभी 12 बजेगा, ये बिल्कुल सन के अराउंड ही टाइम उसी तरह चलता है ना। लोकल टाइम डिसाइड करना हो तो हम शेडो कास्ट कर लेंगे, कोई इंसान अगर यहाँ पे खड़ा हुआ है उसकी शेडो बिल्कुल नहीं बन रही है मतलब सन बिल्कुल अपराइट है, 12 बज रही है, ठीक है। और अगर शेडो बन रही है तो जब दिन और रात हम मतलब शाम हो रही है या दिन का टाइम निकल रहा है, ये हम शेडो के डायरेक्शन से इजीली बता सकते हैं। अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट तक, वेस्ट से ईस्ट अर्थ रोटेट कर रही है सन, इसीलिए कहते हैं ईस्ट से निकल रहा। अब देखिए सन जो है वो कहीं से नहीं निकल रहा है और कहीं नहीं डूब रहा है, अर्थ जो है अर्थ का मूवमेंट हो रहा है सन के अराउंड, राइट। अर्थ का मूवमेंट सन के अराउंड हो रहा है और अर्थ मूव कर दी है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, तो मतलब ये जो फेज है ईस्ट वाले ये पहले सामने आएंगे किसके, सन के, सबसे पहले में सन ईस्ट में दिखेगा, इसीलिए हम कहते हैं ईस्ट से सन निकल। ग्रीनविच लाइन जो हमने पढ़ी अभी उसके जो ईस्ट में एरियाज हैं उनका टाइम पहले होगा और जो वेस्ट में एरियाज हैं उनका टाइम बाद में होगा, बड़ी बात है इसको आराम से भी समझिए। इससे पहले ये देखिए अर्थ रोटेज 360 डिग्री इन 24 आवर्स, अर्थ का रोटेशन 360 डिग्री पूरा कंप्लीट करता है कितने देर में, 24 घंटे में। तो अगर कहें हम एक घंटे में कितना कवर करेगा, एक घंटे में कवर कर लेगा 15 डिग्री, राइट। और एक डिग्री कितनी देर में कवर करेगा तो पता लगेगा 4 मिनट। ये बात जान लीजिए कि अर्थ के रोटेशन के हिसाब से एक डिग्री का जो कवरेज होगा, एरिया जो कवर होगा वो कितनी देर में होगा, 1 मिनट में अर्थ एक डिग्री घूम जाएगी, इतना बस समझ लीजिए बस। अब देखते हैं टाइम के बारे में क्या बताया, ठीक। देखिए जब ग्रीनविच लाइन पर जैसे हमने पढ़ा है, ग्रीनविच इतना तो आपको पता आ गया ना कि 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन है लॉन्गिट्यूड है उसको हम बोलते हैं ग्रीनविच लाइन, ठीक। जब 12 बज रहा है ग्रीनविच टाइम पे, द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी कितना, अगर पूछा जाए कि 15 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री हम ईस्ट चले जाए ग्रीनविच से तो हमारा टाइम क्या होगा यह बताइए, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या पता है एक डिग्री मूवमेंट में अर्थ को कितना टाइम लगता है, 4 मिनट पढ़ा था हमने, 15 डिग्री मूवमेंट में कितना टाइम लगेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब क्या होता है 1 आवर, तो मतलब 15 डिग्री ईस्ट का टाइम क्या होगा, 1 घंटा पहले होगा उससे, क्यों, क्योंकि सन इधर ईस्ट से निकल रहा है, सन जब ईस्ट से निकल रहा है तो यहाँ पहले सुबह हुई, जापान को देखिए जापान में पहले सुबह हुई, उसके बाद फिर इंडिया में सुबह हुई, उसके बाद फिर इधर गल्फ कंट्रीज में सुबह हुई, उसके बाद फिर यहाँ इंग्लैंड में सुबह हुई, तो जब यहाँ 12 बजे हैं तो इसके पहले यहाँ सब एरियाज हैं 12 बज चुके हैं, तो जब यहाँ हमने देखा इतना एरिया 15 डिग्री ईस्ट है, 1 घंटे का डिफरेंस है, मतलब यहाँ क्या बज रहा है, 12 बज चुका है, यहाँ 1 बज रहा है, ठीक है। तो उससे अहेड मतलब कि अगर ग्रीनविच टाइम पे 12 बज रहा है तो उससे 15 डिग्री ईस्ट वाले एरिया पर कितना बज रहा होगा, 1 बज रहा होगा, यही बात यहाँ पे और समझ लीजिए कि जो इंडिया का टाइम है
अगर आप इंग्लैंड में, आपका भाई बैठा हुआ है और वहाँ पर 12 बज रहे हैं, तो आपके यहाँ क्या टाइम, और आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ठीक है, और आप बताइए कि आपके यहाँ इंडिया में क्या टाइम हो रहा है। तो अगर इंग्लैंड में 12 बज रही है, 12 PM हो रहा है, तो हमारा टाइम 5 1/2 आवर आगे चलता है, तो इसमें ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 5:30 PM। उनके यहाँ दोपहर के 12 बजे, हमारे यहाँ शाम के 5:30 बजे, ठीक है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अर्थ के मूवमेंट वजह से किस तरह का चेंज आता है हमारे टाइम में, लॉन्गिट्यूड में मूवमेंट करेंगे तो टाइम में चेंज बिल्कुल आएगा ही आएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच में अगर जाइए, ईस्ट तो हम चले गए, वेस्ट जाएंगे तो क्या होगा, जब वेस्ट जाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पे टाइम बढ़ा था 12 बजे, 1 बज गया, यहाँ पर क्या होगा, 15 डिग्री वेस्ट आप जाएंगे, फिर वही बात, 4 मिनट 1 डिग्री में चेंज आया तो 60 मिनट आया, मतलब 12 बज चुकी है ग्रीनविच में, बट इससे 15 डिग्री वेस्ट जो एरिया है वहाँ अभी 12 बज नहीं है, मतलब अभी वहाँ 11 ही बज रहे, 11 PM है, अभी सन ओवरहेड नहीं आया, 1 घंटे बाद 12 बजेगी, ठीक है। तो ये हमें समझ सकते हैं कि GMT यानी ग्रीनविच टाइम लाइन जो है उसके ईस्ट में और वेस्ट में जाने पर टाइम कैसे घटेगा, ठीक। इसी तरीके से 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट जो सेम लाइन है, इट विल बी मिड नाइट वन, जब 0 डिग्री पर इधर क्या 12 बज रहे होंगी नून की, तो इसके जस्ट पीछे जो एरिया है, बिल्कुल इसके पीछे 180 डिग्री, जो ईस्ट या वेस्ट दोनों सेम है, उस पर क्या होगा, 12 बज रहे होंगे रात के, बिल्कुल मिड नाइट, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल उसी तरह दिया गया है, यहाँ पर वही लाइन है, यहाँ ग्रीनविच लाइन है, इसके ईस्ट में जब हम जाते हैं तो क्या होता है, टाइम प्लस हो जाता है, वेस्ट में जाते हैं क्या होता है, माइनस होता है। अगर यहाँ 12 बज रही हैं तो यहाँ टाइम 1 2 3 4 5 6 7, ये शाम के ऐसे बजते चले जाएंगे, इधर क्या होगा, 11 10 9 8 7 6, इस तरह का टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ भी इसमें ऐसे देखेंगे, देखिए इंग्लैंड में अगर हो रहा है तो इसके ईस्ट में जाएंगे तो यहाँ इंडिया में 5.5 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, फिर और आगे जाएंगे फिर 6.5 घंटे का, 7 घंटे का, 10 घंटे का, ऐसा डिफरेंस होता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे 10 11 ऐसे करके प्लस टाइम होता चला जा रहा है, ईस्ट में वेस्ट में जाएंगे जब यहाँ पे तो इसे माइनस होता टाइम चला जाएगा, यहाँ से US देख लीजिए तो इसमें और कम टाइम होगा, ठीक है, राइट। आगे आप देखते हैं स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, ये लोकल टाइम है बेसिकली, तो अलग अलग मेरिडियन पर टाइम घटेगा, मतलब चेंज हुआ ही हुआ, ऐसे है अलग अलग मेरिडियन सारे हमारे लॉन्गिट्यूड के हैं तो सबके टाइम डिफरेंट हुआ। अभी हमने पढ़ा है जैसे ग्रीनविच टाइम से ईस्ट और वेस्ट जाने पर टाइम कैसे चेंज होता है, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखना है, सिंपल सी एक बात समझिए, इंडिया का जो स्टैंडर्ड मीन टाइम है वो 82.5 डिग्री ईस्ट है, ठीक है। इंडिया का जो एक्सटेंट है वेस्ट से ईस्ट में देखिए तो 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट के बीच में लाइक होता है, मतलब हम ईस्ट पार्ट में हैं, ठीक है। तो ईस्ट में जब हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारा टाइम क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम से इधर हम बढ़े थे तो 5.5 घंटे का डिफरेंस आया था, तो अब ये पूरा जो हमारा इंडिया का एरिया है इसमें टाइम डिफरेंस आना चाहिए। अगर आप यहाँ से समझने की कोशिश करिए अच्छे से तो ये जानेंगे कि भाई अलग अलग जोन है ये सारे के सारे, ठीक है, अलग अलग जोन, एक एक घंटा सब में बढ़ जा रहा है, जैसे एक जोन ये लिया फिर अगला जोन लिया फिर अगला जोन लिया फिर अगला जोन लिया, ऐसे अगर पूरे 24 जोन बना देंगे तो एक एक घंटा बढ़ता चला जाएगा। 24 जोन क्यों, क्योंकि एक बार में पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेगा तो एक एक घंटे में सबको बांट दिया 24 घंटे, तो मतलब एक चक्कर पूरा कंप्लीट हो गया, तो ऐसे जोन बनाएंगे तो हमें मिलेगा। अब जैसे देखिए इंडिया के साथ क्या गेम है, इंडिया के साथ ये गेम है कि हमारे पास सिर्फ एक टाइम जोन है, जबकि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक टाइम जोन में है 1 घंटे वाले ही। फनी फैक्ट ये इंटरेस्टिंग कह लीजिए, जब यहाँ सूरज होता है और यहाँ गुजरात में सूरज होता है तो इन दोनों के बीच में करीब 1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर ट्रेन दैट पास डिफरेंट किलोमीटर, अब यहाँ से ट्रेन चली गुजरात से चली गई यहाँ अरुणाचल प्रदेश, अभी पूरी ट्रेन क्रॉस की है अलग अलग टाइम जोन को, अब ट्रेन में आप बैठे हैं तो हमेशा आपको चेंज टाइम तो चेंज करना नहीं है, आप यहाँ उतरे ठीक है अलग अलग जगह उतरते गए अलग जगह टाइम बदलता चला गया, ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए एक टाइम जोन होना चाहिए कि पूरे इंडिया के रीजन में टाइम जोन एक ही है, यहाँ भले ही बीच में 1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस है, और क्यों डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ सन पहले होगा यहाँ 1 घंटे 45 मिनट बाद आए, क्योंकि उनका जो जगह है वही चेंज है, बिल्कुल डिफरेंस होगा। तो द्वारका गुजरात और डिब्रूगढ़ आसाम में ऐसा डिफरेंस मिलता है। लॉन्गिट्यूड जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है उसको माना गया है 82.5 डिग्री ईस्ट, ये लाइन जो होती है कई बुक्स में आपको मिलेगा नैनी इलाहाबाद से जाती हुई, कई बुक्स में आपको मिलेगा
मिर्जापुर से जाती हुई, ठीक है। तो ये लाइन जो है ये 82.5 डिग्री ईस्ट, इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। इंडिया और इंग्लैंड के बीच का मैं टाइम देखा था 5 आवर 30 मिनट्स का डिफरेंस था। अगर इंग्लैंड में 2 बज रहे होंगे तो इंडिया में क्या टाइम हो रहा होगा? कुछ नहीं करना आपको, 5.5 घंटे उसमें ऐड कर दें, 5 2 7 7:30 बज रहे हैं इंडिया में। अर्थ का 24 टाइम जोन है 1 घंटा ईस्ट, तो हमने देखा था ना कि ये पूरी अर्थ है, तो अगर 24 भाग में इसको पूरा बांट लें तो 1 1 घंटे का टाइम जोन पूरा बनेगा। 24 घंटे में 1 1 घंटा कंप्लीट करेगा टाइम जोन, तो पूरा एक चक्कर जो हमारा है वो कम्प्लीट हो जाएगा। ईच जोन कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, हर एक जोन में 1 घंटा, हमने देखा था ना 15 डिग्री के बराबर 1 घंटा होता है, तो पहले देखा था, तो हिसाब से हो जाएगा। बहुत सारी कंट्रीज है जिन्होंने कई सारे टाइम जोन बना के रखे, तो फॉर एग्जाम्पल फ्रांस है, फ्रांस से करीब 12 टाइम, रशिया में 11 टाइम जोन है, यूएसए में 11 टाइम जोन। सोचिए फ्रांस जैसी छोटी सी कंट्री इसमें 12 टाइम जोन बना पाना कितना डिफिकल्ट होता है। फिलहाल इंडिया में भी बात हो रही थी अलग अलग टाइम जोन बनाइए, लेकिन हमने वो चीज़ नहीं बनाई। सो गाइस, ये पूरा वीडियो था, अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ऐसे ही करते रहिए। सो प्रत्यूष, इसके एमसीयू का जो वीडियो है वो कल मैं आपके सामने रख दूंगा।